वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए वायरलेस ब्लूटूथ एयरबड्स आया हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम इसका वन साइड का स्पीकर चार्ज नहीं हो रहा है। तो गाइस इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं चार्जिंग प्लगिंग करके आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते ये डिब्बी भी प्रॉपर चार्ज हो रहा है और इसका वन साइड का स्पीकर भी प्रॉपर चार्ज हो रहा है और दूसरे साइड के स्पीकर में यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है। और ये एयरबड्स को बाहर निकाल के जब हम चालू करते तो ये कंप्लीट चालू हो रहा है पर इस चार्ज नहीं हो रहा है, इसकी बैटरी पूरी तरीके से उतर गया है। तो गाइस इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम, इसका एयरबड्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं, इसकी जो ये डिब्बी है जहाँ से ये दो पॉइंट आया हुआ है, ये पॉइंट में जो है हमारा चार्जिंग की लाइन नहीं आ रही है। तो इसे किस तरह से रिपेयर करना है, कस्टमर का कहना है कि ये गिर गया था उसके बाद जो है ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इसके साइड से जो इसके खाँचे को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसके पीछे साइड में हमारा इसकी सर्किट है जहाँ से ये एयरबड्स चार्ज होता है। तो ये जो सर्किट है यहाँ पे, ये सर्किट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ये साइड में देखेंगे जहाँ से ये इसकी एयरबड्स को चार्जिंग कनेक्ट करता है वहाँ पर ये जो लूज हो जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण एयरबड्स चार्ज नहीं होता है। तो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट रहता है, एक पॉइंट टूट गया है जिसके कारण ये एयरबड्स चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसे जो है सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सोल्डिंग करना है क्योंकि यहाँ से ये प्रिंट लेके उखड़ गया है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर इसको इसकी पोजिशन पर रख के इसको जो है सोल्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर सोल्डिंग नहीं होता है तो जिसके कारण चार्ज नहीं होता है। इसको प्रॉपर इसकी पोजीशन पे सोल्डिंग करना होगा। तो किस तरह से करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि इसका प्रिंट पूरी तरीके से उखड़ गया है। तो यहाँ पे आपको हल्का सा पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद जो है इसको इसकी पोजीशन पर रख देना है और रखने के बाद जो है थोड़ी देर तक आपको शोल्डर ऊपर की तरफ से इसको ऊपर प्रेस करके रखना है। उसके बाद जो है ये प्रॉपर सोल्डिंग पकड़ लेगा, क्योंकि इसका पीछे की साइड में जो है प्रिंट प्रॉपर है और आगे की साइड से जो है जहाँ पे ये बैठा हुआ था तो पूरा प्रिंट लेके उखड़ गया है। तो यहाँ पे आपको शोल्डर को थोड़े टाइम तक इसके ऊपर प्रेस करके रखना है, उसके बाद जो है ये प्रॉपर अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे सोल्डिंग करने लिए क्योंकि काफ़ी बारीक होता है। तो यहाँ पे जो ये बार बार निकल जा रहा है तो मैं वापस से इसके पोजीशन पे रख के वापस से इसे सोल्डिंग करता हूँ। अधिक करके ब्लूटूथ एयरबड्स में जो चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है या ये दो पॉइंट का प्रॉब्लम होता है या तो जो हमारा एयरबड्स के अंदर जो है कार्बन पकड़ लेता है जिसके कारण भी चार्ज नहीं होता है, तो उसको प्रॉपर सफ़ा करके आपको चेक करना है। तो कार्बन पकड़ लेता है तो भी चार्ज नहीं होता है। और उसके बाद जो है तीसरा जो प्रॉब्लम आता है, एयरबड्स के अंदर जो बैटरी लगी रहती है वो पूरी तरीके से फूक जाता है जिसके कारण भी चार्ज नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है ये प्रॉपर एयरबड्स चार्ज चालू हो रहा है पर चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसको ओपन करके देखे तो इसका जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट पूरी तरीके से टूट गया था जिसके कारण ये चार्ज नहीं पकड़ रहा था। तो अभी जो है ये प्रॉपर मैं इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ और उसके बाद इसको फिटिंग कर लेता हूँ। और फिटिंग करने के बाद जो है वापस से जो है मैं इसको यहाँ पे जो है शोल्डर थोड़ा सा प्रॉपर नहीं सोल्डिंग हुआ तो वापस से मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ। और इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी वायरलेस ब्लूटूथ एयरबड्स हो जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से उसे चेक करें और इस तरह से उसे रिपेयर करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मैं कम्प्लीट इसको जो है शॉर्टकट में जो हमारा जहाँ से ये प्रिंट उखड़ा हुआ था तो मैंने डायरेक्ट इसको वायर को अच्छी तरीके से वहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। और उसके बाद जो इसको फिटिंग करता हूँ और चेक करता हूँ ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं। अधिक करके एयरबड्स में जो प्रॉब्लम आता है चार्जिंग का, ये प्रिंट का ही आता है और उसके बाद जो है मॉइस्चर पकड़ लेता है पॉइंट के जगह पर तो भी ये प्रॉब्लम चार्जिंग का ही आता है। और उसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, इसके एयरबड्स के अंदर जो बैटरी लगी रहती है वो फूक जाने के कारण भी ये चार्ज नहीं होता है। तो कभी भी आप लोग के पास भी ऐसे प्रॉब्लम के एयरबड्स आते रहेंगे तो आपको पहले ये तीन चीज़ को चेक करना है। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा शोल्डर मोटा लग गया था जिसके कारण ये प्रॉपर बैठ नहीं रहा था, तो अभी ये प्रॉपर बैठ गया है। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो है इसकी प्रिंट अभी प्रॉपर एकदम पोजिशन पर हो गया था जहाँ पर पहले ये
प्रॉपर नहीं बैठ रहा था, प्रिंट लेके उखड़ गया था। तो जो है अभी मैं इसके अंदर एयरबड्स डाल के चेक करता हूँ, क्योंकि ये एयरबड्स पूरी तरीके से एम्प्टी हो गया है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे इंडिकेटर थोड़े टाइम बाद शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी इंडिकेटर शो कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर अभी चार्ज नहीं हो रहा है। वापस से जो इसको मैं थोड़ा टाइम इसको लगा के रखता हूँ और इसको फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद कंप्लीट चालू करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी वायरलेस एयरबड्स ब्लूटूथ आते हैं जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, तो आपको तीन चीज़ चेक करना है। पहला, आपको जो जहाँ पे हमारा चार्जिंग का पॉइंट बैठता है वहाँ पे देखेंगे तो मॉइस्चर पकड़ लेता है, उसके कारण भी ये चार्ज नहीं होता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, ये जो चार्जिंग पॉइंट होता है जहाँ से ये चार्जिंग कनेक्ट करता है वो टूट जाने के कारण भी ये चार्जिंग का प्रॉब्लम बनता है। और तीसरा जो है, हमारी बैटरी जो है एयरबड्स के अंदर जो लगी रहती है वो फूक जाता है, जिसके कारण भी ये चार्जिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं इसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेता हूँ और फिटिंग करके कंप्लीट आप लोग को चालू करके दिखाता हूँ। जो इसके अंदर प्रॉब्लम था ये चार्जिंग का, ये चार्जिंग नहीं हो रहा था, अभी जो है ये प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ से पहले फिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इसको ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसको फिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसकी पोजीशन पे देख के बैठाना पड़ता है। तो आप कभी भी इसको ओपन करो तो ओपन करते वक्त इसका खाँचा को प्रॉपर सेटअप पे ही प्रेस करके बैठाए, क्योंकि इसमें स्क्रू वगैरह नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर प्रेस कर देते हैं और वायर वगैरह को अच्छी तरीके से साइड पे करके प्रॉपर प्रेस करना है। तो अभी ये प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। अभी जो है इसके अंदर जो है मैं ये एयरबड्स लगा के चेक करता हूँ, जो इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम था ये मेरा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी ऐसे एयरबड्स के प्रॉब्लम आते हैं जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरह से रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट ये चालू हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।